आज की वीडियो में आप कुछ इस तरह की कार्स के दर्शन करने वाले हैं जिन्हें आपने आज से पहले अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा होगा। इनका सिर्फ आकार ही बड़ा नहीं है बल्कि इनके कारनामों की लिस्ट भी बहुत ही बड़ी है। इनमें से कोई अपने पहियों की वजह से फेमस है तो कोई इतने ज्यादा आलीशान है कि देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक कार को देख रहे हैं या फिर एक महल को देख रहे हैं। दुनिया ने जब सबसे पहले इन बड़ी बड़ी कार्स को पहली बार अपनी आंखों से देखा था तब सभी के होश उड़ गए थे और ठीक ऐसा ही रिएक्शन आपका भी होगा आज की इस वीडियो को देखने के बाद। तो फिर देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को। बस आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। बिगफुट 5, जैसा नाम वैसा काम। बिगफुट 5 के नाम में ही बिग वर्ड मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी का साइज भी तो बड़ा ही होगा ना। अब जरा आप इस कार को ही देख लीजिए जिसमें ट्रक जितने बड़े तो टायर्स लगे हुए हैं। इस तरह की गाड़ी आपने अपनी लाइफ में शायद आज पहली बार देखी होगी। और जरा सोचिए, अगर ये आपके सामने साक्षात प्रकट हो गई तब आपका क्या रिएक्शन होगा। आपको बिल्कुल भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि दुनिया में इस तरह की कारें भी मौजूद हैं। इसे कई लोग तो मॉन्स्टर कार कहकर भी बुलाते हैं क्योंकि आज तक इससे बड़ी गाड़ी लोगों ने शायद ही देखी हो। इस कार के बारे में अगर हम बात करें तो इसे 1986 में पहली बार बनाया गया था। चार विशाल पहियों वाली इस गाड़ी के एक पहिए का ही वजन 1000 किलोग्राम से ज्यादा है। अब अगर एक पहिए का वजन इतना ज्यादा है तो सोचिए पूरी गाड़ी का वजन कितना होगा। अब आप जरा गेस करिए, थोड़ा सा बता दें कि इस गाड़ी का वजन लगभग 12000 किलोग्राम से भी ज्यादा का है। और अगर हम इसे एक मामूली गाड़ी के साथ कंपेयर करें ना तो इसका वजन 10 गुना ज्यादा हो जाता है। इस कार के अंदर बैठकर इसे चलाने में जो मजा आता है ना, उसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। 10 फीट ऊंची इस कार के करतबों को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ कभी कभार इस कार के आसपास इकट्ठी हो जाती है। बिगफुट 5 फोर्ड की बनाई गई F-250 मॉन्स्टर ट्रक है। और अब ये इन्हें ही मालूम होगा कि उनके दिमाग में इस तरह की कार को बनाने का आइडिया क्यों और कैसे आया। इसे अपने जमाने का मोस्ट आइकॉनिक और जबरदस्त मॉन्स्टर ट्रक भी कहा जाता था और इसमें लगे हुए ये चार पहिए ही इस कार की असली पहचान हुआ करते थे। इसका इस्तेमाल एक खास किस्म के स्पोर्ट्स में किया जाता है जहां पर इस ट्रक जैसी दिखने वाली कारों को तमाम छोटे छोटे कार्स के ऊपर चलाया जाता है और फिर पब्लिक इस तरह के नजारे को देखकर तालियां और सीटियां बजाने शुरू कर देती है। इसके अलावा भी अलग अलग हैरान कर देने वाले करतबों को इस विशाल कार के जरिए पब्लिक को दिखाया जाता है। इस तरह का स्पोर्ट्स आज के समय में बाहरी देशों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है सिर्फ और सिर्फ बिगफुट जैसी विशाल गाड़ियों की वजह से। वैसे आपको क्या लगता है, इस तरह का स्पोर्ट्स हमारे भारत में भी होना चाहिए या फिर नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी हमर। दोस्तों, ये जो आप जीप जैसी दिखने वाली कार देख रहे हैं ना, इसे अबू धाबी के शेख हमद ने बनवाया था सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी दुनिया में और किसी के पास नहीं मिलेगी, सिर्फ इन्हीं के पास इसका अधिकार है। रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले शेख हमद के द्वारा बनवाई गई इस हमर का साइज नॉर्मल हमर से लगभग 4-5 गुना बड़ा है और ये तो आप इसके तस्वीर को देखकर समझ ही गए होंगे। इसके सामने अगर 6-7 फुट का भी बंदा खड़ा हो जाए ना तो वो भी चींटी की तरह नजर आता है। सिर्फ यही नहीं, इसका वजन 4400 किलोग्राम से भी ज्यादा बताया जाता है। अब वैसे तो ये हमर कितनी महंगी है इसकी जानकारी तो पब्लिक डोमेन में नहीं है कि सिर्फ इसके एक टायर की कीमत $40,000 है। तो ऐसे में अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे विशाल से हमर की कीमत कितनी ज्यादा होगी। शेख हमद इस हमर को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शेख हमद ने इसे बनवा तो लिया है लेकिन क्या सचमुच में इसे चलाया जा सकता है। अरे क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल चलाया जा सकता है। इसीलिए तो इस हमर के नाम दुनिया की सबसे बड़ी चलने वाली कार का रिकॉर्ड दर्ज है। जी हाँ, इसे ऐसी ऐसी मामूली कार मत समझ बैठिएगा आप, लेकिन हाँ, इसकी टॉप स्पीड सिर्फ 32 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। दोस्तों, इसका असली नाम है हमर H1X3। कहते हैं कि इसे बनाने के लिए 1.5 साल से ज्यादा का समय लग गया था। और तो और, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसे शेख हमद के अपने खुद के गैराज में ही बनाया गया था। ऐसे में अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गैराज कितना ज्यादा बड़ा होगा। अब इसके अंदर जाने के लिए आपको इस गाड़ी के नीचे मौजूद सीक्रेट दरवाजे का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसके अंदर जाते ही आपको एक बड़ा सा किचन नजर आता है और इसके अलावा ये अंदर से बेहद ही बड़े अपार्टमेंट से कम नहीं है। इसमें जिस इंजन को लगाया गया है उससे बड़ा इंजन आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। द अमेरिकन ड्रीम कार।
दोस्तों, क्या आप दुनिया की सबसे लंबी लिमो कार के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते और आज तक इस तरह की कार को नहीं देखा तो अब देख लीजिए। ये है दुनिया की सबसे लंबी लिमो कार, जिसे अमेरिकन ड्रीम कार भी कहा जाता है। अब इसके नाम के साथ ड्रीम शब्द ऐसे ही नहीं जोड़ दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से इस कार को बनाया गया है, ये किसी भी सपने से कम नहीं है। इसमें इतने सारे फीचर्स और सुविधाएं मौजूद है ना कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन फीचर्स खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी स्लिमो कार की लंबाई 100 फीट की है। और क्या आपने सोचा है कि एक कार के ऊपर हेलीकॉप्टर तक को लैंड करवाया जा सकता है? अब आप कहेंगे, भाई साहब, ये तो जरूरत से ज्यादा ही ओवर हो रहा है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? दोस्तों, अगर पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, और स्लिमो के ऊपर सचमुच में हेलीकॉप्टर लैंड करवाया जा सकता है, क्योंकि इसके पिछले हिस्से पर हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर जब चाहे कोई हेलीकॉप्टर आकर आसानी से लैंड कर सकता है। जैसे कि आप इस वीडियो में खुद ही देख सकते हैं कैसे आराम से हेलीकॉप्टर आकर इस गाड़ी के पीछे लैंड कर रहा है। इस लंबी कार की कीमत आज के समय $4 मिलियन से भी ज्यादा की है। और तो और, सिर्फ एक इस कार के नीचे ही 26 पहिए लगे हुए हैं। यहाँ तक कि आपको इसके अंदर एक बड़ा सा वाटर बेड भी मौजूद मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर एक स्विमिंग पूल, हॉट टब, बाथ टब और तो और एक मिनी गोल्फ कोर्स भी इसमें मौजूद है। बोइंग 727 जेट लिमो। अब चलिए आपको एक और जेट की तरह दिखने वाली लिमो का दर्शन करवा देते हैं। ये जो आप हवाई जहाज की तरह दिखने वाली गाड़ी देख रहे हैं ना, ये बस दिखने में हवाई जहाज की तरह है, लेकिन बदकिस्मती से इसे आसमान में बिल्कुल भी उड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसे रोड पर चलाया जाता है। इसमें आपको ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ जेट प्लेन की तरह ही लगेगा, लेकिन दरअसल ये शेर की खाल में भेड़िया जैसा है। फिर भी इस गाड़ी की तुलना दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी गाड़ियों में करी जाती है, क्योंकि इसमें एक साथ लगभग 50 लोग बैठकर आराम से सवारी कर सकते हैं, और उनकी सवारी भी काफी ज्यादा लग्जूरियस होती है, क्योंकि जिस तरह की सुविधा इसमें लोगों को दी जाती है, वो किसी हवाई जहाज में दी जाने वाली सुविधाओं से बिल्कुल भी कम नहीं है। यानी कि भले ही इसे आसमान में उड़ाया नहीं जा सकता, लेकिन अंदर बैठकर आप हवाई जहाज वाली फीलिंग तो ले ही सकते हैं। सुपर बस लिमो। दोस्तों, अब जो कार आप देखने जा रहे हैं, इसे इंसानों के लिए बेहद ही अलग ढंग से बनाया गया है। सुपर बस लिमो एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक लिमो कार है, जो कि बड़ी ही आसानी से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस गाड़ी की लंबाई 49 फीट है। और तो और, इसमें आसानी से 23 से भी ज्यादा यात्री बैठ सकते हैं। इसके अंदर 860 हॉर्स पावर्स का एक ऐसा इंजन मौजूद है, जिसकी गिनती दुनिया के बेहद ही शक्तिशाली इंजन में करी जाती है। इसका आकार कार और बस की तरह दिखता है, जो कि इसे और भी ज्यादा अलग बना देता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको दुनिया के अब तक के सबसे बड़े कार्स के दर्शन करवा दिए। अब अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो ना, और आज आपने कुछ नया देखा हो, तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। तो अंत में वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन के घंटे को भी दबा दें।